एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल करण बाउसर में। और आज है 19 तारीख इस और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो पीछे आप देख सकते हो वो है वेलावदर ब्लैक बक सेंचुरी। और पीछे सनराइज हो चुका है सुबह के 7:30 बजे। और अभी यहाँ पर मेरे साथ है ऋषित और मेहुल जो कि चाय एंजॉय कर रहे हैं। पीछे जो आप देख रहे हो वो हमारा रूम है और ये दिव्यानी है जो अभी अभी थोड़ी देर में जाएंगे। और सामने है धर्मराज जो अपनी कार में से सामान निकाल रहे हैं। आज का व्लॉग बहुत फास्ट होने वाला है। सब रेडी हो चुके हैं, यहाँ पर बैठकर चाय एंजॉय कर रहे हैं। रात को हम यहाँ पर बैठे थे तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे ब्लैक बक्स देखे थे। आज काफ़ी सारे ब्लैक बक्स हमें देखने आने वाले हैं। और यहाँ पर ब्लैक बक नेशनल पार्क वेलावदर का मैप है, आप ये मैप का फ़ोटो खींच लीजिए। तो अभी हम जो क्वार्टर्स में रुके हैं वहाँ से मैं आपको ऊपर छत की ओर ले जा रहा हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ व्यू कैसा है। यहाँ पर पीछे सीटिंग अरेंजमेंट बनाया गया है जहाँ पर आप बैठकर सामने का व्यू अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। सामने जो आप देख रहे हो वो है मून, ये पूनम का मून आप देख रहे हो, फुल मून। सो दोस्तों ये है हमारा रूम, अभी कुछ ऐसा नज़र आ रहा है हमारा रूम। और रूम के बाहर निकलते ही ये मिलता है आपको अद्भुत नज़ारा। और अभी मैं जा रहा हूँ चाय पीने और हमारी कार भी आ चुकी है और सुबह की चाय वेलावदर में और सामने है अद्भुत सनराइज। सो बादल में भी आप देख सकते हो अलग अलग तरह की पैटर्न्स बनी हुई है। और सुबह के 7:30 बजे का ये नज़ारा आप देख रहे हो। और यहाँ पर मैं थोड़े क्रिएटिव वीडियो शॉर्ट्स लेने का ट्राई कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो शॉर्ट्स पसंद आएंगे। इसको मैं स्लो मोशन करके आपको भी दिखा रहा हूँ। और 2-3 तरह के ऐसे वीडियो शॉर्ट्स मैंने ट्राई किए थे तो देखते हैं कि कैसा लग रहा है। कमेंट करके बताएं अगर आपको ये ऐसे इस तरह के वीडियो शॉर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो। और यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ब्लैक बक नेशनल पार्क वेलावदर कब खुला रहता है। आप देख सकते हो कि सुबह 6:30 से 1 बजे तक का टाइम है और दोपहर को 3 से 6 बजे तक आप ये पार्क की मुलाकात ले सकते हो। और यहाँ पर कोरोना के रिलेटेड गाइडलाइंस लिखे हुए हैं। और ये भी बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर एंट्री फ़ी, व्हीकल फ़ी, गाइड फ़ी, फिल्मिंग और फोटोग्राफी फ़ी, सिक्योरिटी डिपॉजिट। और अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हो, यहाँ पर स्टे करना चाहते हो तो रूम्स के प्राइस भी यहाँ पर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ये भारतीय और US डॉलर में लिखे हुए हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ब्लैक बक नेशनल पार्क की मुलाकात लेते हो तो क्या करना है और क्या नहीं करना है वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। और यहाँ पर जो विजिटर्स आते हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है वो गुजराती में लिखा हुआ है। और ये साइन बोर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वार्निंग लिखी हुई है और इनमें से कोई एक्ट का आप उल्लंघन करते हो तो आपको 3 से 7 साल की जेल हो सकती है और 10,000 से ज़्यादा का जुर्माना हो सकता है। तो सामने आप जो गेट देख रहे हो वो मेन एंट्री है वेलावदर नेशनल पार्क में एंटर होने की। सो अभी हम हमारी कार पार्क कर रहे हैं और ऐसी ओपन जिप्सी लेके जाने वाले हैं वेलावदर नेशनल पार्क की मुलाकात में। सो गाइस हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है, हम 5 लोग निकल पड़े हैं हमारे सफर पर। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे ब्लैक बक्स और हमने गाइड भी साथ में ले लिया है तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो ये हमारे मॉर्निंग का सबसे पहला ब्लैक बक हमको देखने को मिल चुका है और आगे भी हम जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्लैक बक के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। ब्लैक बक एंटीलोप सर्विकाप्रा जिसे भारतीय मुरुख के रूप में भी जाना जाता है, भारत और नेपाल का ये मूल निवासी है। यह 12 मासी जल स्रोत के साथ घास के मैदानों और हल्के जंगलों वाले क्षेत्रों में निवास करता है। इसकी हाइट 74 से 84 सेमी तक होती है। मेल ब्लैक बक का वजन 20 से 57 किलोग्राम होता है जिसकी औसत 38 किलोग्राम होती है। मादाएं हल्की होती है जिनका वजन औसतन 20 से 33 किलोग्राम होता है। मेल ब्लैक बक 35 से 75 सेमी लंबे रिंग वाले सिंग होते हैं। नर 2 रंग में पाए जाते हैं जबकि पैरों के ऊपरी हिस्से और बाहरी हिस्से गहरे भूरे से काले रंग के होते हैं। पैरों के नीचे और अंदर के हिस्से सफ़ेद होते हैं। मादा और किशोर पीले रंग से भूरे रंग के होते हैं।
ब्लैक बक चिन्स एंटीलोप का एकमात्र जीवित सदस्य है और 1758 में कार्ल लिनियस द्वारा वैज्ञानिक रूप से वर्णित किया गया था। काला हिरण मुख्य रूप से दिन में सक्रिय रहता है। यह तीन प्रकार के छोटे समूह बनाता है, मादा, नर और कुंवारे झुंड। काला हिरण शाकाहारी है और कम घास पर चढ़ता है। मादा 8 महीने की उम्र में परिपक्व हो जाती है, लेकिन नर बाद में परिपक्व होते हैं, इसे 1.5 साल लगते हैं। गर्भकाल आमतौर पर 6 महीने लंबा होता है। जीवन काल आमतौर पर 10 से 15 साल का है। मृग मूल रूप से भारत में पाए जाते हैं और 20वीं शताब्दी के दौरान अत्यधिक शिकार, वनों की कटाई और आवास के क्षरण के कारण ब्लैक बक की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। ब्लैक बक को अर्जेंटीना और संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश किया गया है। भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत काले हिरण का शिकार प्रतिबंधित है। हिंदू धर्म में काले हिरण का महत्व है। भारतीय और नेपाली ग्रामीण मृग को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। काले हिरण का वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्वाई काप्रा है। इसका सामान्य शब्द लेटिन शब्द एंटालोप्स यानी कि सिंह वाले जानवर से उपजा है। काले हिरण के वैकल्पिक नाम है भारतीय मृग कड़ियाल, काला हिरण, कन्नड़ में कृष्ण मृगा, हिंदी में कृष्ण सार, मराठी में कलवित, तेलुगु में कृष्णा और तमिल में इरालाई मानी। अभी हम जा रहे हैं वॉचिंग टावर पर और वॉचिंग टावर पर पहुंचते ही वेलावदर का कुछ ऐसा नजारा नजर आ रहा है। आप देख सकते हो कि चारों तरफ ग्रास लैंड है और आपको पीछे कुछ कार ट्रैक्स भी नजर आ रहे हैं। यही ट्रैक पर आपको अपनी कार या जिप्सी करके आना होता है और ऐसे कई वॉचिंग टावर्स भी बनाए गए हैं। और इस सामने जो आप देख रहे हो वो है वाइल्ड पिग। ऐसे काफी सारे पिग्स हमको रात को हमारे रूम के आसपास भी नजर आए थे और अभी आप सामने जंगल के मैदान में भी देख सकते हो। अब जल प्लावित क्षेत्र में अभी हम वो मेन ग्रासलैंड वाला एरिया कवर करके दूसरे सेक्शन जो सामने है वेटलैंड सेक्शन वाला सेक्शन है वहाँ पे भी जा रहे हैं। अभी समर है तो अभी वेटलैंड वहाँ पे नहीं होगा, जब बारिश होती है तब ये पूरा पानी से भर जाता है तो यहाँ के सारे ब्लैक बक वो ग्रासलैंड में चले जाते हैं। तो ये थोड़ा नीचे वाला एरिया है और ढलान वाला है तो इसे वेटलैंड कहते हैं, लेकिन अभी पानी नहीं होगा तो मे बी अभी चांस है कि हमें स्पॉट हो ब्लैक बक। और अभी बहुत सारे स्पॉट किए हैं हमने, अभी हमने बर्ड्स भी काफ़ी बॉक्स वो स्पॉट किए, वो ईगल भी था। और अगर आप आ रहे हो हमने ब्लैक तो भी देखा है। दिसंबर में आइएगा, बहुत सारे आपको बर्ड्स भी दिखेंगे। अभी मतलब मज़ा है कि समर शुरू हुआ है लेकिन अभी बादल की वजह से हमें काफ़ी एकदम जो एटमोसफियर है बहुत ही ज़बरदस्त है और अभी हम अकेले हैं तो पूरा नेचर की फील अभी आ रही है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमने काफ़ी 100-200 का झुंड देखा एक साथ ब्लैक बक थे और काफ़ी मतलब 10 जितने तो रोड क्रॉस किया हमने तो अच्छे फोटोज भी आए हैं। सामने आप जो बर्ड देख रहे हो वो है जंगली गीध, जिसको मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। काफी बड़ा है ये गिद्ध और जंगल में घूमता रहता है। ये बच्चे सिंगड़ा वाड़ो। यस यस। अरे आज नाना का बच्चा हूँ बेटा, कलर अभी पकड़े भी नहीं। रोड क्रॉस कर सो पीछे वीडियो 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 अभी हम जो ब्लैक बक नेशनल पार्क है उसके सामने एक वेटलैंड करके एरिया है जहाँ पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पानी भरता है, जब बारिश होती है तो यहाँ पर पानी आता है और काफ़ी सारे यहाँ पर बर्ड्स आते रहते हैं। मुझे ये देखकर लगता है कि हम थोल में जब जाते हैं थोल का नज़ारा नज़र आ रहा है। और अभी सामने आप देख रहे हो वो नील गाय है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, वो जो पानी भरा हुआ है वहाँ पर पानी पीने के लिए आई है। अभी जो सामने नज़र आ रहे हैं वो है फ्लेमिंगो जो टाई अप करके हवा में उड़ रहे हैं। और यहाँ पर सामने भी एक बर्ड नज़र आ रहा है जो पानी में कुछ इंसेक्ट खा रहा है, इसका नाम मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। अभी सब विजिटर्स अपनी कार यहाँ पर स्टॉप कर यहाँ पर जो वेटलैंड आया है वहाँ पर पानी भरा हुआ है तो पानी में कौन कौन से बर्ड्स हैं वो देखने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी दूर है अभी, ये लगता है ये शायद पेलिकन है। और ये सामने जो दिख रहा है वो है ग्रेट इग्रेट और यहाँ पर छोटे छोटे ब्लैक कलर के डक्स भी नज़र आ रहे हैं। और ये बर्ड्स भी आप देख सकते हो फ्लाई करके कहीं जा रहा है, इसका नाम मुझे नहीं पता है। और फिर से आप देख सकते हो वाइट इग्रेट जो कि पानी में मछली की तलाश में लग रहा है और काफ़ी छोटे छोटे ऐसे डक्स यहाँ पर है। ये जो वेटलैंड है यहाँ पर हमने काफ़ी अलग अलग तरह के बर्ड्स को कैप्चर किया, आप देख सकते हो। मुझे तो ये हम जब नल सरोवर जाते हैं तो वहाँ जैसा माहौल होता है,
वो माहौल वेलावदर में नजर आ रहा था जब हमने ये प्लेस की मुलाकात ली तब, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे माइग्रेट्स बर्ड आते रहते हैं। अभी गर्मियाँ शुरू हो चुकी है तो आप देख सकते हो कि ऐसी काफ़ी सारे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स यहाँ पर बनाए गए हैं जिसमें पानी पीने के लिए ब्लैक बक और अन्य वन्य जीव आते रहते हैं। इसके बच्चे देखो कितने छोटे छोटे, सारा परिवार जा रहा है रोड क्रॉस करके, टिंग 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 पीछे पीछे जा रहे हैं। जो ये रास्ते में बर्ड देख रहे हो वो तो कमाल का निकला। आप देख सकते हो हमारी कार आते ही वो उड़ने लगा और जैसे ही फिर से हमारी कार आगे गई तो फिर से वही रास्ते पर बैठ गया। और यहाँ पर भी एक बर्ड पता नहीं इसी तरह से अकेला उड़ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अकेला ब्लैक बक बैठा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और हमारी वेटलैंड की मुलाकात ख़त्म हो चुकी है और अभी हम फिर से वापस जहाँ वेलावदर ब्लैक बक सेंचुरी है उसकी ओर जा रहे हैं। और ये रास्ता है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वहाँ पर एक सोविनियर शॉप है, वहाँ की भी मुलाकात लेने वाले हैं हम। पर अभी हम सबसे पहले तो जाते हैं हमारे रेस्ट हाउस की ओर। तो फाइनली हम 3-4 घंटे जंगल में बिताकर अपने रेस्ट हाउस पर आ चुके हैं। आप देख सकते हो सामने है हमारा रेस्ट हाउस जहाँ पर हमने स्टे किया था रात को। नेशनल वेलावदर की सेंचुरी की मुलाकात लेकर अभी हम सुबह का नाश्ता और चाय पानी करने आए हैं। ये हमारा कैंटीन है और यहाँ पर मैडम अभी हमको नाश्ता कराने वाली है। और सर बैठ चुके हैं और ये ऋषि सर है। सो हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। सो अगर आप यहाँ पर रात को डोरमेट्री रूम्स में रहना चाहो तो उसके प्राइस लिखे हुए हैं, प्रति बेड 150 रुपीज़ है। और 9 जन का डोरमेट्री रूम है वहाँ पे 1350 रुपये है। लंच और डिनर का 150 रुपीज़ है और बाकी सब तो चाय नाश्ता सब अवेलेबल है। वेलावदर ब्लैक बक नेशनल पार्क में आ चुके हैं, ये मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर सोवेनियर शॉप है। तो सबसे पहले सोवेनियर शॉप की ओर जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। जैसे कि आप सामने देख सकते हो टी शर्ट मिल रही है, मास्क मिल रहे हैं, कैप मिल रही है, मग मिल रहा है और भी काफ़ी सारी अलग अलग आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम देखते हैं कुछ, यहाँ पर देखो ये स्टिकर मिल रहे हैं और यहाँ पर मग है जिस पर आपको ब्लैक बक ड्रॉ किया हुआ पाया जाएगा, जैसे कि ये टी शर्ट पर भी ड्रॉ किया हुआ है। और यहाँ पर हाफ पैंट्स मिल रहे हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल करण भावसार को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। Thank you so much for your time.